उसमें जो इंटेंस लेवल का रेसिज्म होता है के against. इस बात पे भी racism होता है है कि भाई भाई काम काम कैसे कर, भाई, rule है, काम कर सकते है, तो कर सकते हैं तो तो एक खुद तो ही लग रहा है कि भाई मुझे इस बार इस टॉपिक के बारे में बात भी क्यों करनी पड़ रही है मुझको बहुत हेट मिल सकता है इस वीडियो की वजह से कभी अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी करनी होती है ना तो मैं रेडिट पर जाता हूँ एक रेडिट है रेड थ्रेड है उसका नाम है कैनेडा हाउसिंग टू उसको खोल के पढ़ लेता सच में मिनट नहीं लगते मूड की टैंक हो जाता है मेरा मूड पूरा मूड पूरा खराब इंडियंस के अगेंस्ट स्पेशली ओनली इंडियंस के अगेंस्ट इट्स क्रेजी मतलब के अंदर मैं बोलूंगा पांच परसेंट लोग हैं जो बहुत जेनविन है जो बहुत जेनविन आर्ग्यूमेंट देते हैं बट 95 परसेंट आर

गलत नहीं है उसके अंदर जो बोली जा रही है कुछ बातें सही भी है कुछ हमारी कम्युनिटी भी बहुत ही बहुत ही कुछ ऐसी चीजें कर रही है जो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है उन लोगों को भी जो लोग ये नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में ये वीडियो होगी मुझको बहुत हेट मिल सकता है इस वीडियो की वजह से बट आई एम रेडी मेरे को जो बोलना है वो मैं बोलूंगा तो हेट मिलता है दैट्स फाइन आपको कमेंट्स में जो लिखना है जो आपके दिल की बात हो पूरा ईमानदारी से लिख के जाना कोई शर्माना मत लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो पांच पॉइंट कवर करूंगा इस वीडियो में तो without wasting any time. Let's start. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं जिसकी वजह से हेट जनरेट होता है दैट इज प्रोटेस्ट करना जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट जनरेट हो रहा है कि भाई हमें वर्क परमिट एक्सटेंशन दो हमें पी दो हमारे ये पॉलिसी क्यों चेंज कर दी माई पर्सनल बिलीफ इज के दर इज नथिंग रॉन्ग विद प्रोटेस्टिंग भाई जिसके चार महीने उसको वैसे ही कंट्री से बाहर जाना है लास्ट रिजॉर्ट इसके वो प्रोटेस्ट करके देख रहा है क्या ही है क्या पता प्रोटेस्ट करके कुछ पॉजिटिव निकल जाए जो कि मैंने टोबा वगैरह में निकला भी कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट आए आई हैव नथिंग अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग क्योंकि जो चीजें डा जिन चीजों का कनाडा से कोई रिलेशन नहीं है उसके बारे में भी प्रोटेस्ट हो सकता है जब कनाडा <laughs> में मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो सकता है पेलेटीन uh, यूक्रेन इन सब के लिए प्रोटेस्ट हो सकता है तो भाई देर इज नथिंग नॉन्ग विद ये लोग जो कनाडा में अंदर हैं जो कनाडा में रहना चाहते हैं उसके लिए प्रोटेस्ट हो के भाई हमें, हमें प्लीज कैनेडा में रहना है नथिंग रॉन्ग विद इट बट विद प्रोटेस्ट एक चीज हमेशा याद रखना कि यार प्रोटेस्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशन को प्रोटेस्ट करते हुए डोंट कीप एनी क्योंकि द गवर्नमेंट नेवर प्रोमिस्ड पीजी प्रॉमिड परमिट पे नीचे सबसे नीचे पढ़ लेना ना क्या लिखा है leave Canada by, और एक डेट डेट डली होती है है कि इस इस तक आपको Canada छोड़ना है, क्योंकि आपका लीगल स्टेटस में नहीं रहेगा वीजा इज अ अ इट्स 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 नॉट नॉट योर योर राइट राइट बात को याद रखना कोई आपका हक नहीं है कि मुझे पीजी डब्ल्यू पी मिले हक बनता है

फूड बैंक से ऐसे खाना ला सकते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता आपको पता है कौन है तो पंद्रह किलो टमाटर दूध और पता नहीं क्या क्या भाई अंडे फूड बैंक से उठा के ला रहे कोई कोई किसको जरूरत है बट हाँ एम अलाउड टू हैव एन ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज अगर आपके हाथ में थर्टीन प्रो मैक्स फोर्टीन प्रो मैक्स प्रो मैक्स है और आपके पैर में नाइकी के शूज है यू डोंट नीड मनी फ्रॉम फूड बैंक दूसरा हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले ना कि किसको फूड बैंक से जरूरत है जिसको जरूरत है भाई जाके लो बट जिसको भी ज्यादा मिर्ची लगती है कि भाई फूड बैंक से इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं ये कर रहे हैं उसको उस बात से भी उतनी मिर्ची लगनी चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसे पे गवर्नमेंट फंडेड ड्रग्स लोग क्यों कर रहे हैं क्यों यहाँ एलीवेज में पड़े हो के लोग ड्रग्स करते हैं जो गवर्नमेंट पैसा देती है जो टैक्स में भरता हूँ तो भाई डोंट वरी अबाउट कौन फूड बैंक से क्या ले रहा है जो स्टूडेंट ले रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई टेक इट ओनली इफ यू एब्सोल्युटली नीड इट एंड ले भी रहे हो तो भाई वीडियो बना के शो ऑफ मत करो कि कोई लाइफ हैक नहीं है कि लाइफ हैक in Canada, how to save money in Canada, that is not what it is. इट इज फॉर द नीडी पीपल हु रियली 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 नीड इट भाई जो भूखा मर रहा है उसके लिए वो ऑप्शन है ठीक है इंडिया में पुनीत सुपरस्टार भी अपने गाड़ी खोल के भाई डोनेट करता है ना है ना देखा होगा तुमने वीडियो तुम क्या उससे भी नीचे हो क्या क्या कर रहे हो यार मत करो प्लीज ठीक है चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट तीसरा चीज के बारे में जो मुझे बात करनी है वो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फेयर चोरी करना एक तो मेरे को खुद ही खराब लग रहा है कि भाई मुझे इस बार इस टॉपिक के बारे में बात भी करनी पड़ रही है लेकिन भाई देखो फेयर तो चोरी हर कम्युनिटी के लोग करते हैं इट ब्लैक ब्राउन पिंक पर्पल हर टाइप के लोग हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ नीच लोग होते ही होते हैं हमारी कम्युनिटी में भी है ऐसा नहीं है कि बस मैं एक ही लोगों को टारगेट कर रहा हूँ भाई मैं अपनी कम्युनिटी से बात कर सकता हूँ हिंदी में या जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है तो मैं उनको बात कर सकता हूँ ऐसा नहीं है कि कनेडियंस के बच्चे फेयर चोरी नहीं करते सब करते हैं मैंने खुद देखा है अभी देखा मैंने किसी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ने भाई ने वीडियो बनाई कि टी को कैसे आप स्कैम कर सकते हो आप कम कॉइन डाल रहे हो पता नहीं क्या क्या भाई क्या क्या ही होता है किसी और का कार्ड यूज कर लिया ये कर लिया वो कर लिया तो इतना हमें इस लेवल तक आने की जरूरत क्यों पड़ रही है क्यों आप वीडियोस बना रहे हो क्यों बता रहे हो कि भाई ऐसे आप सिस्टम को गेम कर सकते हो क्यों क्यों बना रहे हो वाई क्या क्या जरूरत है सिस्टम को गेम करने की जरूरत क्या है वट इज द नीड तुम किसकी बेजती करवा रहे हो बस पास ना स्वाइप करके छह छह महीने हो गए बस में चढ़ के बोल देते हैं हाँ मैं न्यू स्टूडेंट और मुझे माफ कर दो ऐसे करके किसकी बेजती करवा रहे हो अपनी इन एंड स्टीलिंग इज इलीगल चाहे कोई करे या कोई करे बट तुम्हारे लिए एज एन इमिग्रेंट द कॉन्सिक्वेंस आर टू मच एंड एक तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है कि चलो इलीगल है बट ऑन अ ब्रॉडर लेवल अगर बहुत सारे लोग

कुछ मैंने देखा है अब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ हमारे लोग करते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग भी करते हैं दूसरे स्किन कलर दूसरी रेस के लोग भी करते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आप लोगों से जो लोग मेरी वीडियो देखते हो उनके लिए है और अगर आप आप खुद ये काम नहीं करते आप किसी को जानते हो तो भाई भाई उसको ये वीडियो भेज देना कि भाई मत करो मैं जैसे बारबेक्यू वगैरह करने जाता हूँ तो देखा है कि अपनी कम्युनिटी के लोग ना खा पी के बारबेक्यू वहीं छोड़ दिया ये अच्छे से साफ नहीं करा मोटा मोटा कूड़ा उठा दिया खाना पड़ा पढ़ाए पढ़ाए सब छोड़ दिया और लोग भी करते हैं बट मैं बोल रहा हूँ भाई हमारे लिए स्टैंडर्ड ना थोड़ा सा हायर है ठीक है हम हमारी इतनी सी गलती ना इतनी बड़ी होकर दिखती है अगर हम इस बात में प्राइड लेते हैं कि भाई हम बेटर है इंडियंस हमारी, हमारी तो इतने ज्यादा नहीं है जिस टाउन में मैं रहता हूँ तो मेरे को इतना ज्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता लेकिन जब कभी मैं सरी जाता हूँ या फिर और किसी हैविली पॉपुलेटेड इंडियन एरिया जाता हूँ तो भाई फर्क समझ में आ जाता है सामने देख के पता लग जाता है ये जो बेसिक एक कर्टसी है ना वो खत्म कर दिए लोगों ने ना पता नहीं क्यों तो जो बुरी चीज दूसरी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं हम ना करें ठीक है और अब लास्ट पॉइंट है इस पर तो सही लोगों को ना बहुत बढ़िया मिर्ची लगेगी एंड आई एम ऑल फॉर इट तुम्हें मिर्ची लगे, तो बता देना तुम्हें मिर्ची लगी है कॉमेंट्स में ना यूज अ डिओडरेंट एक है दैट इंडियन स्मेल बैड दैट इज ट्रू अगर किसी बस में चढ़ जाओ यू कैन टेल के भाई बास आ रही है गंदी बदबू आ रही है किसी क्लास में जाओ बदबू आ रही है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑयल वाला खाना बनता है ठीक है उसकी ऑयल की स्मेल जैकेट्स में भर जाती है कपड़ों में भर जाती है ये एक अनदर टोटल रीजन है कि जिसकी वजह से जो कपड़े हैं उसमें से बदबू आती है बट भाई एक बेसिक हाइजीन है पता नहीं क्यों पीपल डोंट यूज अ डिओड्रेंट स्टीरोटाइप एक दिन में नहीं बनता कुछ हुआ ही होगा कुछ रीजन है जिसकी वजह से स्टीरोटाइप है गूगल कर लेना डिओड्रेंट क्या होता है कैसे यूज करते हैं आई डोंट नो वाई पीपल डोंट यूज अ डिओड्रेंट ये बेसिक हाइजीन है जो नई सिखाई गई हमें इंडिया में ठीक है लड़कियों को होती है hygiene? लडकों में लडकों में खासकर ये कमी है कि भाई हाउ डू यू हैव अ 1000 डॉलर फोन एंड यू कांट यूज अ डिओडोरेंट मतलब दैट्स शॉकिंग टू मी अब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ अपने लोगों में से बदबू आती है लेकिन भाई मेरा काम है अपने लोगों को बताना अपने लोगों को इंप्रूवमेंट करना ठीक है प्लीज स्टीरियोटाइप में एड मत करो सबट्रैक्ट करो स्टीरियोटाइप जिसने नहीं यूज करना है, जिसको बदबूदार होना पसंद है वो अभी भी या या प्लीज़ आई होप मेरे हार्श वर्ड्स से कुछ लोग को गुस्सा आया होगा कुछ लोगों को लगा होगा कि हाँ यार वर्ड्स तो हार्श हैं लेकिन बात तो सही है अगर ऐसा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट्स में लिख के बता देना कि भाई इस बात से मैं एग्री करता हूँ पीयूष लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता आई एम ऑल ऑल फॉर एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट कि भाई ये बात ठीक है ये बात गलत है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल अगर यहाँ पे गाली दे के मन न भरे तो इंस्टाग्राम पे भी आके आप खूब गालियाँ दे सकते हो थैंक यू सो मच बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो